ग्रुप कम्युनिकेशन हेड रिलायंस के रोहित बंसल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं, क्योंकि रिलायंस का भी बताया जा रहा है उसमें खाता है। रोहित बंसल जी, आपका क्या रिएक्शन है जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है उस पर, आपका पहली प्रतिक्रिया, आपके पहला रिएक्शन आपका? इंडियन एक्सप्रेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमारा रिएक्शन था उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है और ये कहा है कि आरआईएल और चंगानी का कहीं भी दुनिया भर में कोई भी अनधिकृत किस्म का ना कोई अकाउंट है ना भूतकाल में पहले था। जो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है इसमें बताया गया कि तकरीबन 165 करोड़ जमा है एचएसबीसी के अकाउंट में। ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के तहत इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इसमें काफी बड़ा डेटा, कई टेराबाइट्स में डेटा किसी एम्प्लॉय ने अनधिकृत रूप में एचएसबीसी से निकाला था, और उसके बाद ये कंसिडरेशन है जिसमें कई सैकड़ों जर्नलिस्ट हैं दुनिया भर में जो मिलजुल के कई वर्षों से इस डेटा को माइन कर रहे हैं। तो उस माइनिंग के मद्देनजर जो मुकेश अंबानी और आरआईएल इत्यादि के नाम पर डेटा आया था वो कई बार रिपोर्ट भी हो चुका है, कई वर्षों से रिपोर्ट हो चुका है, और उसमें साफ साफ बता भी दिया गया है कि जो लेजिटिमेट बिजनेस ऑपरेशन हो रहे थे उस देश में उसी वजह से एचएसबीसी में ये अकाउंट भी हुआ। और इस पर एचएसबीसी ने जो बाद में हमारी आपत्ति के आधार पर क्षमा भी मांगी थी वो भी प्रेस में, अगर आप सिंपल गूगल सर्च करेंगे अपने व्यूअर्स के तो पता लग जाएगा। तो मोटा मोटा ये है कि स्विट्जरलैंड में हर अकाउंट लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट होने का एक साथ नहीं कहा जा सकता, और रितु सरीन जो रिपोर्टर हैं इन्वेस्टिगेशन में आईसीआईजी और इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से, उन्होंने भी इसके एफएक्यू लिखा है, और उस एफएक्यू में साफ साफ खुद ही से उन्होंने सवाल किया कि सारे अकाउंट इलेजिटिमेट हैं, उस पर उन्होंने खुद ही को अपने को जवाब दिया है कि नहीं, ये सिर्फ अकाउंट्स की लिस्ट मात्र है, ये नहीं है कि सारे अकाउंट या तो लेजिटिमेट हैं या इलेजिटिमेट। बिल्कुल बंसल जी, आप बिल्कुल बार बार रिपोर्ट हो चुका है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये हम भी लगातार, एबीपी न्यूज भी लगातार बता रहा है कि कई अकाउंट्स हैं जो वैध हैं, लेजिटिमेट हैं, हम भी लगातार ये बता रहे हैं। तो मतलब रोहित जी आप ये कह रहे हैं कि अकाउंट है एचएसबीसी में लेकिन वो लेजिटिमेट है, गैर कानूनी नहीं है। 2006-07 के डेटा के आधार पर अकाउंट की डेटा को हमने कंफर्म किया था तब भी और अब भी, 2006-07 में अकाउंट था क्योंकि वैध रूप में बिजनेस एक्सचेंज और बिजनेस वहां चलाया जा रहा था एक टेलीकॉम कंपनी के वजह से, और उसी डेटा एम्प्लॉय ने निकाला और उसके हजारों जो डेटा पॉइंट्स हैं उनको कई दुनिया भर के जर्नलिस्ट ने अपने अपने देश अपनी अपनी रुचि के मद्देनजर उसको बीच बीच में समय समय पे वो रिलीज करते रहते हैं। तो जो पुराने इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी सब कुछ जिसके बारे में क्लैरिटी है वो भी उठ के आती है, क्योंकि और बड़े नाम कोई निकल नहीं रहे होंगे शायद भारत में, तो पुराने नामों को ही एक बार फिर से प्रिंट किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहित बंसल, आरआईएल के ग्रुप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन हेड रोहित बंसल, जिन्होंने कहा है कि वैध अकाउंट है, लेजिटिमेट अकाउंट है, कुछ भी गैर कानूनी नहीं है। और आपको बता दें इंडियन एक्सप्रेस में भी इस बात को रिपोर्ट किया गया कि कई अकाउंट्स हैं जो लेजिटिमेट हैं लेकिन एचएसबीसी में अकाउंट है, और 2006-2007 तक की जानकारी के आधार पर ही ये इन नामों का खुलासा किया है इंडियन एक्सप्रेस ने।